जय श्री कृष्ण। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर और पराठा। उसके लिए मैंने लिया हुआ है अमूल का बटर, अमूल का पनीर, फ्रेश क्रीम, अमूल का घी, प्याज की पेस्ट की हुई है, टमाटर की पेस्ट, पालक की पेस्ट और गेहूं का आटा, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, हींग है, काजू का पाउडर है और किचन किंग मसाला है। पहले हम लेंगे अमूल का बटर। उसमें हम डालेंगे तेल थोड़ा सा। तेल गरम हो गया है, हम प्याज डालेंगे। हमको प्याज थोड़ी ब्राउन कलर की करनी है, तब तक पकानी है प्याज की पेस्ट को। जब तक प्याज होती है तब तक हम थोड़ा पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे। और पनीर को थोड़ा बॉईल कर देंगे जिससे वो सॉफ्ट हो जाए।
इसको हिलाते रहना है वरना वो चिपक जाएगा नीचे। हमारा पानी थोड़ा गुनगुना हो गया है, हम पानी के पीस डालेंगे। पनीर डाल के गैस बंद कर देना है हमको, उसको 5 मिनट के लिए गुनगुने पानी में छोड़ देना है। प्याज हो गई है, अब हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। जब तक ये बॉइल्ड होता है तब तक हम पराठे के लिए आटा गूंथ लेंगे। मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। इसमें हम 2 चम्मच अमूल का घी डालेंगे। नमक डाल देंगे थोड़ा स्वाद अनुसार। हल्के हाथों से उसको मिक्स कर देंगे पहले। आटे को थोड़ा नरम रखना है इतना। थोड़ी देर के लिए आटे को छोड़ दो।
हमारा पनीर सॉफ्ट हो गया है, इसे निकाल देते हैं हम। जब तक तेल अलग ना हो जाए तब तक हमको हिला के रहना है। हम थोड़ा अमूल का घी लेंगे, इसको गरम करेंगे। मैंने काजू लिया हुआ है, उसको फ्राई कर देंगे हम। हल्का सा पनीर फ्राई कर देंगे हम। हमारा पनीर फ्राई हो गया है, हम निकाल देते हैं।
हम मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर है, हींग है, लाल मिर्च है, नमक है, किचन किंग मसाला है, मैंने काजू का पाउडर करके रखा हुआ है, वो डाल देंगे हम। उसको डाल के 5 मिनट तक हिलाना है हमको। जब पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा पानी डाल दो उसमें। और लास्ट में पालक की प्यूरी डाल दो उसमें। उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दो, ढक दो उसको। तब तक हम पराठा बना लेते हैं। पराठे को थोड़ा बेल दो और उसके ऊपर थोड़ा घी लगा दो और थोड़ा आटा लगा दो, फिर फोल्ड करना है उसको।
दूसरा पराठा कर देंगे। आप देख सकते हो पूरा रेडी हो गया। इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे पराठे रेडी हो गए, हम उस पर अमूल बटर लगा देंगे। लास्ट में हम पनीर डाल देंगे।
हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। मैंने कटोरी में डाल दिया है, हम उसको काजू से डेकोरेट कर देंगे। हम चीज़ के छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे उसके ऊपर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। मैं पूरी अमूल की टीम को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।